अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कबाबी गोश्त। ये देखिए, एक किलो गोश्त लिया मैंने, उसके लिए ये 6 से 7 प्याज मैंने पीस लिया है। अब देखिए गोश्त में ये प्याज डालेंगे। गरम मसाले 1 चम्मच डालेंगे चाय का। काली मिर्च डालूंगी 1/2 चाय के चम्मच। पीसी हुई मिर्च 1 चाय की चम्मच। अदरक लहसुन 2 चाय की चम्मच। अब इसको हम मिक्स करेंगे। नमक डालेंगे। ये कबाबी गोश्त है, 1 किलो गाय की गोश्त है ये। अब इसे हम 1 घंटा मिक्स करके रख देंगे। ये तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं ये डाल देंगे। इसको बढ़ा दिया। अभी इसमें पानी डालेंगे। ये पानी डाल दिया, ये देखें। अभी आंच को बढ़ा देंगे ताकि ये थोड़ा पक जाए। पकने के बाद कम कर देंगे चूल्हा। उसके बाद ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटा ये धीमे आंच में पकेगा। इसको कम आंच करके 1.5 से 2 घंटा इसे छोड़ दें। गोश्त तैयार है। ये 1.5 घंटा मैंने छोड़ दिया था, बिल्कुल गल चुका है। ये देखिए, इसके बाद अब इसमें मैं रखूंगी ये कोयला। जरा सा घी या तेल कुछ भी डाल दें। इसके थोड़ी देर ढक के छोड़ दें, उसके बाद फिर ढक्कन खोलें। ये देखें, कबाबी गोश्त तैयार है। आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह पसंद आएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।